राज्यसभा में अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं का भाषांतरण किया जा सकेगा। मंगलवार को संसद परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान 5 भारतीय भाषाओं का भाषांतरण करने वालों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू थे। सभापति बनने के बाद एम वेंकैया नायडू ने सभी भाषाओं में भाषांतरण का वादा किया था। राज्यसभा के सदस्य सदन में अब अपनी बात मातृभाषा में रख सकेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के भाषांतरण की सुविधा अब राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान होगी। मंगलवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कश्मीरी, डोगरी, सिंधी, संथाली और बोडो भाषाओं में भाषांतरण करने वालों को प्रमाण पत्र दिए। इस मौके पर सभापति ने कहा कि संसद में सांसदों की मातृभाषा के प्रयोग से बहस के दौरान भारतीय विविधता झलकेगी। I hope that with this facility, the debates will become linguistically rich and diverse. Use of new phrases and idioms from different languages will embellish the debates. Members will not feel inhibited in passionately expressing their views. सभापति एम वेंकैया नायडू ने पदभार संभालने के साथ ही भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। मंगलवार को संसद परिसर में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाषांतरण के दौरान इंटरप्रेटर को भावों को समझना जरूरी है। You have to have the appreciation of context in which a phrase or a word is used. तो मक्की का मक्की भाषांतर नहीं है, थोड़ा उसको ध्यान में रखना चाहिए। भाषा से कहा, मैंने कहा, भावना को भी समझ के उस दिशा में हम लोग भाषांतर करना उचित होगा। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने बताया कि भाषांतरण में सिविल सोसाइटी के लोगों की मदद ली गई है। That today this day has come when with the efforts of everybody we have reached a stage where we can say that any language 24 hours notice and we are able to provide interpretation. संसद की कार्यवाही के दौरान किसी सांसद के मातृभाषा में अपनी बात रखने पर भाषांतरण की सुविधा होती है, जिसे वहां मौजूद लोग दूसरी भाषा में सुन सकते हैं। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।